सो हेलो वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो ये हमारा थर्ड एपिसोड है। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो पे अपना एक छोटा सा घर बनाया था, तो जो लोगों ने वो वाला घर नहीं देखा है तो जाओ, पिछला वीडियो में घर है, घर मैंने बनाया तो देख सकते हो। तो आज हम लोग अपना लिए एक आर्मर बनाने वाले हैं। तो हम लोग का ट्राई रहेगा कि हम लोग एक अपना लिए आर्मर बना ले, क्योंकि भाई आर्मर का भी हम लोग को बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो हम लोग घर की ओर चलते हैं और हम लोग कुछ कुछ सामान ले लेते हैं। मेरे पास 4 आयरन ऑलरेडी है और थोड़ा सा स्टिक कोल वो ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग आज माइनिंग पे जाने वाले हैं। तो यार यहाँ से हम लोग स्टिक ले लेते हैं और ओक लॉग ले लेते हैं और यहाँ पे आयरन है और बेड ले लेते हैं, कोल भी लेना पड़ेगा तो कोल ले लेते हैं पहले थोड़ा सा, ताकि हम लोग टॉर्च बना पाए। तो यहाँ से कोल उठा लेते हैं और थोड़ा सा ले लेते हैं और थोड़ा सा, बस ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से ले लेते हैं बेड, और क्या चाहिए, बेड और फूड ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग अभी बेड ले लिए अपना लिए और फूड, हाँ फूड और आयरन भी मैं भूल गया था, आयरन उठा लेते हैं, ये रहा आयरन। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं, और ये वाला क्राफ्टिंग टेबल हम लोग नहीं लेकर जाएंगे, इसको यहीं पर रहने देते हैं। हम लोग के पास ओक लॉग है तो हम लोग क्राफ्टिंग टेबल बना लेंगे। ठीक है, और दिन का टाइम है तो चलो अभी हम आराम से माइनिंग पे जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हॉर्स है जो मैंने ऑफलाइन खेला था तो मुझे मिल गया था, और हम लोग का हंगर बार बहुत कम है तो हम लोग फूड को नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा फूड खा लेते हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग ये वाला फूड को नीचे करते हैं और खा लेते हैं। ठीक है, और भाई ये देखो चूरन भाई स्केलेटन स्पाइडर के ऊपर, भाई अरे भाई मैं इतना स्लो, अरे भाई इसे तो माइंड कर लिया, अरे यार ये फूड, अरे भाई मैं भाग नहीं पा रहा हूँ भाई, लिटरली मैं मर जाऊँगा। ओ भाई पहले जल्दी से घर को चलते हैं, पहले अंदर चलते यार, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया हूँ। तो यार घुस अंदर, ठीक है, तो अभी जल्दी से गेट बंद करो, पहले फूड खाते जल्दी से। भाई 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 यहाँ पर और इतना फूड ले लेते हैं भाई, और भाई साहब मैं तो बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो गया था, जल्दी से मैं फूड खाते हैं। और फिर भाई मैं स्केलेटन मतलब अभी बताता हूँ कि भाई चलो हम लोग बाहर चलते हैं। और भाई कहाँ गया भाई, किसमें कितना धमाचा देख लेते हैं, भाई ये तो मर गया। और अभी भी भाई स्पाइडर का आवाज़ कहीं से आ रहा, भाई स्पाइडर है भाई, छोड़ो हटाओ भाई, देख लेंगे इसको भी। तो चलो फिलहाल अभी लोग मतलब केव ढूंढ लेते हैं, और एक ये दिख रहा है केव, यार ये तो स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे स्टोन है तो हम लोग सोच रहा हूँ कि यहाँ से स्टोन हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, जिसके लिए हम लोग से ओक लॉग मिल चुका है, प्लैंक से हम लोग क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रखते हैं, प्लेस नहीं कर पा रहे, चलो इसको हैंड में ही डायरेक्ट लेकर रखते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग रखते हैं और हम लोग यहाँ से कर लेते हैं स्टोन को कलेक्ट, क्योंकि हमारा सॉर्ड और पिकैक्स का हेल्थ बहुत कम है, तो जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं। तब तक हम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और न्यू हो तो यार वीडियो को शेयर भी कर देना। तो 2 मिनट वेट करो, हम लोग मिलते 2 मिनट में। हम लोगों ने बहुत सारा स्टोन कलेक्ट कर लिया, ऑलमोस्ट 45 स्टोन कलेक्ट कर लिया है। तो हम लोग यहाँ से अपने लिए पिकैक्स और एक्स बना लेते हैं, सॉरी सॉर्ड बना लेते हैं। तो हम लोग पहले अपना लिए आयरन का एक पिकैक्स बना लेते हैं, बाय चांस अगर हम लोग को डायमंड मिलता है तो हम लोग इसे माइन कर पाएंगे। और दो मैं स्टोन एक्स बना लेता हूँ, ठीक है, 2 स्टोन एक्स हो चुका है, और एक हम लोग सॉर्ड बना लेते हैं, ताकि अगर केव में कुछ जॉम्बी मिलता है तो हम लोग फाइट ले पाए। ऑलमोस्ट ऐसे तो मैं फ़ाइट लेने का हालत में नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग के पास आर्मर नहीं है। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास स्टिक एक ही है, तो हम लोग को वुड चाहिए। देखते हैं यहाँ से अगर ट्री, चलो अच्छा यहाँ पर एक ट्री है, तो इस ट्री को हम लोग मतलब यहाँ से वुड थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि अंदर में हम लोग अगर टॉर्च वॉर्च का दरकार पड़े तो हम लोग यहाँ से टॉर्च बना पाए। तो जल्दी से चलो इसको कलेक्ट करते हैं, और थोड़ा सा और है बस।
तो यहाँ पे चार था, हम लोग ने सारा वुड कलेक्ट कर लिया। तो अब हम लोग को दरकार पड़ेगा एक केव, देखते हैं केव मिल गया तो। और केव मिल गया, ओ भाई फाइनली मैंने बोला और केव मिल चुका। और भाई जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत अंधकार होने वाला है, तो चलो जल्दी से हम लोग पहले टॉर्च थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का स्टिक है, तो अभी हम लोग यहाँ से कोल कहाँ गए, ये रहा कोल, कोल रखते हैं। और यहाँ से हम लोग बना लेते हैं 4 टॉर्च। चलो और बनाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे आगे क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं। यहाँ से हम लोग प्लैंक्स बना लेते हैं, वुड है, ओक लॉग है, यहाँ से हम लोग जितना प्लैंक, सारा प्लैंक बना लेते हैं। और यहाँ से हम लोग स्टिक भी बना लेते हैं, तो यहाँ से जल्दी सारा का सारा हम लोग स्टिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी प्लैंक्स का दरकार नहीं पड़ने वाला है जहाँ तक मेरे को लगता है। तो यहाँ से एक बार सो जाते हैं यार, रात हो गया और हमारे पास आर्मर नहीं है, तो रात में खतरा हो सकता है, तो जल्दी से सो जाते हैं। और चलो सुबह हो गया, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा टॉर्च बना लेते हैं और थोड़ा सा टॉर्च, तो चलो इतना काफ़ी होगा, 20 टॉर्च फ़िलहाल के लिए। और ये सब को तोड़ कर हम लोग कर लेते हैं कलेक्ट और चलते हैं केव के अंदर, ठीक है। तो काश ये वाला केव थोड़ा बड़ा हो, मतलब बहुत अंदर तक जाए, ठीक है। अगर छोटा रहा तो हम लोग को फिर दूसरा केव खोजना पड़ेगा। तो इधर से भाई ये यहीं तक है, बट यहाँ से ज़ॉम्बी का आवाज़ आ रहा है, ठीक है ठीक है। छोड़ो पहले ऊपर वाला केव देख लेते हैं, ये वाला काश बड़ा हो। और भाई जैसे मैंने कहा ये भी छोटा है, तो इस साइड से ज़ॉम्बी का आवाज़ आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा लीक करके देखते हैं अगर ये बड़ा हुआ तो। यार ओ भाई बहुत डार्क है और कुछ दिख नहीं रहा है। और ओ भाई मैं ओ उसको फोड़ते भाई, उसको फोड़ते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्रीपर था भाई, मैं बच गया, अच्छा टाइम पे मैं पीछे आ गया, नहीं तो भाई ये इतना मतलब हम लोग ख़त्म ही थे, समझ रहे हो ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग अंदर को चलते हैं टॉर्च लगाते हुए। और भाई ये देखो ज़ॉम्बी जैसा, आ जाओ भाई इसको बताते हैं भाई, आओ पीछे आओ, मर जा। ओ भाई फाइनली ये मरा। तो चलो हम लोग अंदर को चलते हैं और आगे हम लोग चलते हैं इस साइड को। तो इस साइड को जल्दी से हम लोग टॉर्च लगाते हैं और भाई फाइनली भाई हम लोग को पहला आयरन मिल चुका है अपना। तो अभी का हम लोग को पहला आयरन मिल गया, जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं। और जल्दी से कितना है अभी, 4 और 5 आयरन मिल चुका है, ठीक है 5 आयरन मिला है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं सेट, ठीक है। चलो हम लोग को यहाँ पे कोल मिल चुका है, तो हम लोग कोल भी कलेक्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कोल भी हम लोग को अभी बहुत ज़्यादा ही काम में आने वाला, तो जल्दी से कोल कलेक्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग को यहाँ से बहुत सारा कोल मिल चुका है। तो अगर मैंने इस साइड आगे पीछे की साइड जाकर देखा, यहाँ पे मतलब यहाँ से केव ख़त्म है। तो हम लोग इस साइड को चलते हैं, जो हम लोग के लेफ्ट में लेफ्ट साइड में था, जो उस साइड वाला केव मतलब अंदर की ओर चलते हैं, देखते हैं ये हमें कितना अंदर लेकर जाता है। तो चलो इस साइड को चलते हैं टॉर्च लगाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा कोल है और कोल ही दिखा मुझे, और आगे को चलते हैं, थोड़ा सा बहुत डार्क है भाई। तो यहाँ पे और बहुत सारा, और भाई ये भाई स्पाइडर, भाई स्पाइडर कहाँ से पड़ा है, तो इसको तो मैंने मार दिया, चलो हटाओ। और इस साइड को भाई यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा सा टॉर्च लगा देते हैं, यहाँ पे भी कोल है। तो जल्दी से मैं इस साइड को आयरन है, तो चलो जल्दी से जितना कुछ हो सकता है हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जितना कोल है और आयरन है, जल्दी से इसको कलेक्ट कर लेते हैं। सो यार गाइस सिर्फ हम लोगों ने यहीं से हम लोग ने मतलब आयरन कलेक्ट किया, और हम लोग को मतलब 24 आयरन इंगट्स यहीं से मिल चुके हैं, मतलब रॉ आयरन। तो चलो यहाँ पे हम लोग ना अपना लेक स्मेल्टिंग के लिए थोड़ा सा फर्नेस लगा लेते हैं, ताकि हम लोग अपना आयरन स्मेल्ट कर पाए। तो चलो जल्दी से हम लोग जितना हो सकता है, 4 फर्नेस काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, तो 4 फर्नेस बना लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग इसको प्लेस कर देंगे, एक यहाँ और एक ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी अपना रॉ आयरन को स्मेल्ट करने के लिए आधा आधा डाल देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आधा डाल देते हैं और कोल हम लोग यहाँ पे भी डाल देते हैं थोड़ा, ताकि ये अपना हो, थोड़ा ज़्यादा करके, इतना नहीं, ठीक है इतना काफ़ी है। और कहाँ पे था, इसमें नहीं था, ऊपर वाला में था, इसको कट करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा कोल डाल देते हैं, और जब तक ये स्मेल्ट होता है तब तक हम लोग और आयरन, मतलब और भी आयरन देखते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम लोग कितना आयरन मिलता है। और थोड़ा सा टॉर्च बना लेते हैं, ताकि क्योंकि हम लोग पास 7 टॉर्च है और हम लोग को बहुत सारा टॉर्च का दरकार पड़ सकता है, तो काफ़ी इतना। चलो अब हम लोग यहाँ से सारा चीज़ कलेक्ट कर लेते हैं। यार हम लोग को बहुत सारा आयरन, कोल और थोड़ा कॉपर मिल गया। हम लोग ने ज़्यादा डीप नहीं किया क्योंकि ये केव बहुत बड़ा है और मैं इसमें गुम हो जाऊँगा। तो पहले चलो देख लेते हैं भाई इस सज्जन को क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा तो क्या दिक्कत है? ओ भाई, अरे भाई मैं कुछ अच्छा से पूछ रहा था। अरे भाई ये तो मार रहा है भाई। चलो भाई ये तो गया भाई, मेरे से पंगा महंगा पड़ेगा बाबू। तो चलो हम लोग यहाँ पे अपना जितना आयरन है स्मेल्टिंग के लिए डाल देते हैं। और हम लोग के पास अभी 45 कॉपर है। तो यार मुझे कॉपर किस काम में यूज़ होगा नहीं पता है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताना कि कॉपर किस काम में हम लोग को यूज़ होगा। और जितना सारा आयरन स्मेल्ट हो गया हम लोग उसको कर लेते हैं कलेक्ट। और यहाँ से हम लोग बना लेते हैं अपने लिए आर्मर। तो आर्मर सेक्शन में जाते हैं और अपना लिए हेलमेट, भाई पहला हेलमेट बन चुका है अपना। और अपना लिए चेस्ट प्लेट, भाई क्या ही खुशी भाई, अपना चेस्ट प्लेट भी आ चुका है। और हम लोग को एक लेगिंग्स चाहिए और एक बूट, तो ये रहा अपना लेगिंग्स मतलब पैंट, और अपना लिए एक बूट। तो यहाँ पे आयरन का बूट और ये भाई ये लेदर का हो गया, सॉरी आयरन का एक बूट हो गया। तो चलो भाई फाइनली अपना पूरा आर्मर बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग इसको पहनते हैं। तो पहला हम लोग अपना चेस्ट प्लेट को पहनते हैं, उसके बाद अपना हेलमेट और पैंट और बूट। तो यार बताओ अब हम लोग फुल आर्मर हो चुके हैं, तो यार मतलब क्या ही फीलिंग्स आ रहा नहीं बता सकते हम भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग के पास अभी और इतना आयरन है कि हम लोग अपना आयरन का टूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने लिए बहुत सारा आयरन का टूल्स बना लेंगे, जैसे कि ये अपने पास वुड का एक्स है, हम लोग आयरन का एक्स बना लेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर न्यू हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।